अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर जो लोन पे नहीं करेंगे उनके साथ रिएक्शन क्या होगा आने वाले दिनों में, उनके उनके ऊपर इफेक्ट क्या होने वाला है आपको मैं बताऊंगा। आपने फुल वीडियो को वॉच करना है, वीडियो को मिस नहीं करना, फुल वीडियो को वॉच करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि जब तक इन लोन एप्लीकेशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती तब तक आपके ऊपर क्रेडिट लगता रहेगा, डेली वाइज आपके ऊपर क्रेडिट लगता रहेगा, क्योंकि ये लोन एप्लीकेशन आपको तंग भी करती रहेंगी, चाहे आपको 6 महीने गुजर जाएं, 8 महीने गुजर जाएं, तंग करती रहेंगी। जब तक आपका कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास है तब तक आपको वो तंग करती रहेंगी। तभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपने लोन नहीं पे करना तो आप अपना नंबर चेंज कर लें, नंबर को बंद कर दें, या फिर नंबर ये सिम बंद करवा लें, दूसरी सिम निकाल लें, तभी मैंने आपको कहा था। अब मैं आपको ये बताऊं कि एक दोस्त ने मुझे कमेंट्स किया कि उन्होंने 7,200 रुपये लोन लिया था 3 महीने पहले, अब उनका बन चुका है 35,000। अंदाज़ा लगा लो कि कितने परसेंटेज जो है ना सूद बन रहा है, परसेंटेज कितना। जुल्म है खुदा का जुल्म, और ये आवाम पे जो जुल्म हो रहा है ये हुक्मरान चुप करके बैठे हुए, क्यों? क्योंकि कोई जो है ना पूछने वाला इनको नहीं है। अब 7,000 जिसने लोन लिया उसको डेली का 2,500 से 3,000 रुपए का, यानी कि उसको कमीशन लग रहा है 3 महीने तक। यार ये क्या है? अब आने वाले दिनों में हो सकता है 5 महीने गुजर जाए तो उसको 7,000 डेली का यानी कि वो लगेगा। तो यार ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? आप जो है ना बस वीडियो देख लेते हैं, चुप करके बैठ जाते हैं, और हम भी जो है वीडियो बना के आप लोगों को दिखा देते हैं, मगर ये कि इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। आप जो है ना एक अच्छी बात जो आपको लगे या फिर आप इसके खिलाफ एक्शन लिया करें, क्योंकि जैसे मैं ये चाहता हूँ ये मेरी जो वीडियो है ना पूरी दुनिया तक पहुँचे, ताकि दुनिया को पता चले कि यार ये क्या हो रहा है, ये लोन एप्लीकेशन ने क्या करी है हमारे मुल्क में। 7,000 रुपये दे के 2 महीने 3 महीने गुजर रहे हैं, अगर आप 40,000 रुपये ले रहे हो ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? इनके खिलाफ कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक आप इन एप्लीकेशन के खिलाफ कोई गवर्नमेंट अगर एक्शन नहीं उठाती तो ये मैं आपको यकीन देता हूँ इस बात का, ये आपके ऊपर क्रेडिट और कमीशन लगाते रहेंगे, चाहे आपने 5,000 रुपये लिए हों, चाहे आपने 2,000 लिए हों, चाहे आपने 20,000 रुपये लिए हों। एक दोस्त का कमेंट्स आया, उन्होंने 28,000 रुपये तक लोन अपना बढ़ा दिया था, पे करते 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 उसका कारोबार ही बंद हो गया, वो इतना कमाता नहीं था जितना ये लोन पे करता था। एक तो कारोबार में घाटा, ऊपर देनी इनकी कमीशन है, तो जाहिर बात है इतना प्रॉफिट तो कोई दुकानदार नहीं कमाता, कोई कारोबार वाला नहीं कमाता जितना ये लगा रहे। तो इनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक ये आपको तंग करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे।